इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट डे टू सेकंड सेशन की हाईलाइट में आपका स्वागत है। सेकंड सेशन की पहली ही बॉल पर विराट कोहली आउट हुए। विराट कोहली मर्फी का शिकार बने। एक सॉफ्ट डिसमिसल के चलते विराट कोहली आउट हो गए। कोर्ट बिहाइंड आउट हुए विराट कोहली। मर्फी की इस गेंद पर सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हो गए विराट कोहली। एलेक्स कैरी ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा पीछे। ये गेंद काफ़ी लाजवाब नहीं थी, पर विराट कोहली एक सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हो गए पहली गेंद पर। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की इस शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई सेशन की। उसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। सूर्य कुमार यादव ने दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए सूर्य कुमार यादव किस ढंग से खेलेंगे। रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे दोनों। सूर्य कुमार यादव कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और सूर्य कुमार यादव बने नेथन लाइन का शिकार। नेथन लाइन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। काफ़ी अच्छी गेंद नेथन लाइन की और सूर्य कुमार यादव हुए बोल्ड। बहुत ही लाजवाब गेंद ये नेथन लाइन की। नेथन लाइन को पहली सफलता मिली इस टेस्ट मैच की। काफ़ी अच्छी गेंद और सूर्य कुमार यादव ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए अपने डेब्यू पे। सूर्य कुमार यादव चलते बने, सिर्फ 8 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने और बोल्ड हो गए। उसके बाद जडेजा आए। जडेजा ने अच्छी पारी खेली और रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की। रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और टीम इंडिया को फिर से संभाला। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इंडिया फिर वापसी की। रोहित शर्मा ने शतक लगाया। इस सेशन में अपना शतक पूरा किया रोहित शर्मा ने। बहुत ही लाजवाब बैटिंग रोहित शर्मा से पूरे टेस्ट मैच में देखने को मिली है। रोहित शर्मा की काफ़ी लाजवाब बैटिंग रही है इस पूरे टेस्ट मैच में और बहुत ही बढ़िया शतक जड़ दिया रोहित शर्मा ने। काफ़ी टाइम से शतक नहीं निकला था उनके बल्ले से और आज उन्होंने शतक पूरा किया। बहुत ही अच्छी पारी रोहित शर्मा की और रोहित शर्मा शतक के बाद भी काफ़ी अच्छा खेलते रहे और रविंद्र जडेजा ने भी उनका काफ़ी अच्छा साथ दिया। वो दोनों बैट्समैन ने टीम को संभाला और दोनों ने एक अच्छी साझेदारी भूमि साथ में और इंडिया की लीडिंग लीड में ला दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पार कर दिया इंडिया ने और इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गई है। अब इंडिया लीड में दिख रही है और इंडिया इस मैच पर बहुत पकड़ बना चुकी है और ये मैच पूरी तरह से इंडिया की गिरफ्त में है। इस सेशन में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट मिले और इंडिया के लिए लीड आ गई है। इंडिया 49 रन की लीड के साथ इस सेशन का एंड कर रही है। इंडिया अब काफ़ी मजबूत पोजीशन में है और इंडिया के पास अभी 5 विकेट हाथ में है। काफ़ी अच्छी पोजीशन में इंडियन टीम। रविंद्र जडेजा पर एक अपील हुई थी पर वो नॉट आउट ही रहे। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा अभी भी खेल रहे हैं और इंडिया 49 रन के लीड्स के साथ वापस जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर। थैंक्स।